Hey, hello students. Now we are back with our next lecture. और जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि प्रीवियस ईयर मतलब 11th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट सॉल्व होने बहुत जरूरी है. सर्कुलर मोशन का भी यही हाल है. सम पार्ट इज इन 11th स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज. तो मैंने इस टॉपिक को नाम दिया टर्म्स इन्वॉल्वड इन सर्कुलर मोशन. एज सच डायरेक्ट कोई आंसर क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, पर अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आप समझ जाना कि आपको आगे का पार्ट नहीं आएगा. सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी मिस्ड इन 11th स्टैंडर्ड माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो चलो चालू करते हैं. सबसे पहला टर्म जो आपको समझना है, दैट इज रेडियस वेक्टर. What is radius vector? नाम से पता चलता है ना, radius vector. नाम से पता चल जाता है कि radius मतलब क्या है भाई. एक सर्कल होगा और उस सर्कल से एक सेंटर से सर्कमफेरेंस तक लाइन ज्वाइन जो करते हैं उसको हम रेडियस बोलते हैं. अभी इसमें रेडियस वेक्टर क्या होता है? सपोज एक पार्टिकल सर्क्यूलर मोशन कर रहा है. ओके, एक पार्टिकल सर्क्यूलर मोशन कर रहा है एंड एट एनी पॉइंट वो पार्टिकल है सपोज P1 पॉइंट. मैंने जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया, देखो कि P1 पॉइंट पे पार्टिकल है, बराबर है. अभी सेंटर से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, वो होता है रेडियस वेक्टर. ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेडियस वेक्टर हमेशा किधर ड्रॉ करते हैं? जहां पे पार्टिकल है. मतलब अभी पार्टिकल P1 पॉइंट पे, देख सकते हो आप लोग पार्टिकल कहां पे, P1 पॉइंट पे. तो रेडियस वेक्टर क्या बन गया? R1 वेक्टर. क्या ये बात आपको समझ रही है ना? तो इसको डिफाइन कैसे करें? अभी डेफिनेशन लर्न करने का जरूरत नहीं है, बट देन ऑल्सो आई विल टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन. इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द इंस्टेंटेनियस पोजीशन. कहां पे ड्रॉ कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस मतलब जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल है वहां पे ड्रॉ होता है. ठीक है बच्चों, मतलब अगर पार्टिकल P2 पॉइंट पे चला गया तो रेडियस वेक्टर अभी क्या बन जाएगा? R2 बन जाएगा. जब पार्टिकल P1 पॉइंट पे था तो रेडियस वेक्टर क्या था? R1 था, R1 वेक्टर था. समझना बहुत सिंपल है. तो जहां पे पार्टिकल है वहां पे हमें वो ड्रॉ करना है. याद रखो, जहां पे पार्टिकल है उस जगह पे हम उसको ड्रॉ करेंगे, दैट इज रेडियस वेक्टर. ठीक है, सिंपल सा बात मुझे बच्चों बताओ. द मोमेंट मैं आपको बोलता हूं रेडियस वेक्टर, तो आपको पार्टिकल की पोजीशन पता चल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से R2 इज अ रेडियस वेक्टर, आप बोलोगे सर पार्टिकल P2 पॉइंट पे. अगर मैं बोला R1 इज अ रेडियस वेक्टर, आप क्या बोलोगे? सर पार्टिकल P1 पॉइंट पे. तो पार्टिकल कहां पे है ये पता चलता है. ठीक है, तो इट इज अ पोजीशन वेक्टर. अगर मैं बात करूंगा R1 वेक्टर और R2 वेक्टर की, तो दोनों अलग है, दे आर नॉट सेम, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है यार. एक इधर देख रहा है, एक नीचे कहीं देख रहा है. तो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर सेम नहीं है. हाँ, पर R1 और R2 सेम है, which is equal to R, radius of the circle. Magnitude तो सबका radius इतना ही रहेगा. तो जनरली ये पहला टर्म आपको याद रखना है, रेडियस वेक्टर क्या है. रेडियस वेक्टर एक वेक्टर है जो सेंटर से ड्रॉ होता है. कहां पे? जहां पे पार्टिकल है. इट इज ड्रॉन एट द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. इज इट सिंपल बच्चो? यू कैन इजीली रिमेंबर दिस. उसका एसएनएट क्या है? मीटर. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अभी जो मैं तीन बताऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अभी डिस्प्लेसमेंट वर्ड पहली बार नहीं पढ़ रहा, बहुत बार पढ़ा हुआ है. वो जितना भी पढ़ा हमने वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, अभी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थोड़ा कुछ और. ठीक है, इमेजिन करते, सोचते एक पार्टिकल है. ओके, और वो पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन किया. ठीक है, यू कैन सी पार्टिकल ने क्या किया? सर्कुलर मोशन किया. ठीक है, अभी पार्टिकल से मैं ऊपर एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूंगा. मैंने एक सेंटर ले लिया और मैंने क्या कर दिया, मैंने देखा कि वो ए पॉइंट पे, जब टाइम जीरो था अभी तक उसने सर्कुलर मोशन सपोज करना चालू नहीं किया, मैं वहां से काउंट कर रहा हूं. तो पार्टिकल ए पॉइंट पे रुका है और मैं अभी सेंटर से एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूंगा. क्या ड्रॉ किया मैंने? रेडियस वेक्टर सेंटर से ड्रॉ किया कि नहीं किया. अभी
पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन करना चालू कर दिया, चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन करना चालू किया, तो दूसरे पॉइंट पे आ गया, चलना चालू किया, बी पॉइंट पे आ गया, अभी मैंने दूसरा रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो पहले पार्टिकल ए पॉइंट पे था, फिर पार्टिकल बी पॉइंट पे गया, तो पार्टिकल जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो एक आर्क तो बनेगा, अपन आर्क को क्या बोलते हैं, एस, और एंगल भी बनेगा, लेटर एंगल भी थीटा, ये जो एंगल है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डेफिनेशन लिख दिया मैंने वहां पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, इट इज द एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर बच्चों जो एंगल बनाता है सेंटर में उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, रेडियस वेक्टर जो सेंटर में एंगल बनाएगा कभी जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा तो उसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, अभी इसका फॉर्मूला क्या है, तो हमने इसका फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ा है, एंगुलर एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला, अगर शायद से आपको याद रहेगा, चलो नहीं याद रहेगा तो मैं बता दूंगा, आर्क अपॉन रेडियस है, याद रखो, लिख के रखो, राइट ऑन नोटबुक में लिख दो कि एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला क्या, आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा एंगल है, आर्क एस है, रेडियस आर है, तो फॉर्मूला बन गया थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अभी थोड़ा ना कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, एकदम सिंपल सा ट्विस्ट लाते हैं, ये इसको मैं भी बोलता हूं ये बड़ा वाला एंगल है, क्या नाम दिया इसको मैंने, बड़ा वाला एंगल क्यों, क्योंकि इसमें टाइम बड़ा है इसलिए बड़ा वाला एंगल। तो जब एंगल बड़ा होता है ना, जब फाइनाइट एंगल बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, एंगल बड़ा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट एंगल, फिर से बोलो क्या बोलते हैं उसको, फाइनाइट एंगल। तो ये फाइनाइट एंगल है, ये ना वेक्टर के लॉज ओबे नहीं करता है, ये वेक्टर के ना लॉज ही ओबे नहीं करता है, क्योंकि ये फाइनाइट एंगल है। ऐसे एंगल को अगर वो वेक्टर के लॉज ही ओबे नहीं कर रहा है तो मेरे लिए वो वेक्टर नहीं है। पॉइंट लिख के रखो पॉइंट सब लोग, इफ एंगल इज अ फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ वेक्टर, बेसिकली इट्स अ सूडो वेक्टर, इट्स अ फॉल्स वेक्टर। तो मैंने क्या कर दिया, अभी थोड़ा एक कहानी में ट्विस्ट लाया, छोटा टाइम लिया डेल्टा टी, और छोटे टाइम में पार्टिकल क्या हो गया, सी पॉइंट पे चला गया। अभी मैंने और एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर लिया है ना, अभी मैंने और एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया, अभी एंगल छोटा बना है, अभी आर्क छोटा बना है, तो ये जो है वो इनफाइनाइट सिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है ये, इनफाइनाइट सिमल, वेरी 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 स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, माय डियर बच्चे, एकदम छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन गया। बात समझ में आ रहा है, इट्स अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा, ओके, तो डेल्टा टी टाइम में बना, फॉर्मूला भी वही है, फंडा क्या है, डेल्टा डी जेड, वो फॉर्मूला वही रहने वाला है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, फॉर्मूला वही है, पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर के लॉ क्या करेगा, ओबे करेगा, वेक्टर के लॉ क्या करेगा, ओबे करेगा, तो मेरे लिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसाइनेट रेडियन में डायमेंशन लेस है, क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस, तो डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है, सो आज के बाद ये बात याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट एंगल के फॉर्म में भी मेजर होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम एंगल के फॉर्म में भी मेजर करते हैं। ठीक है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, एंगुलर वेलोसिटी, नो डाउट डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी आता है, तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी भी हम एंगल के फॉर्म में मेजर करते हैं। बचपन से हम जो वेलोसिटी पढ़ रहे थे वो लीनियर वेलोसिटी थी बच्चों, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, लीनियर वेलोसिटी, वी वेलोसिटी, वी स्पीड, वी, अभी हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वही होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी ये चीज को आप थोड़ा समझो, इस चीज को समझने का कोशिश करो कि दो टाइप के हम एंगुलर वेलोसिटी होते हैं, दो टाइप के एंगुलर वेलोसिटी होते हैं, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब क्या, बहुत बड़ा टाइम रहेगा तो उसको एवरेज बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस मतलब एक उसी इंस्टेंट में बता रहा है, उसी के उसी वक्त बता रहा है। ओके, सपोज मेरे सामने से कार जा रही है,
ओके okay, और किसी ने मुझे पूछ लिया बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है उस टाइम पे, उस वक्त पे जो वेलोसिटी है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो फाइंड करने के लिए हम टाइम हमेशा छोटा रखते हैं। बस इतना चीज याद रखो कि एवरेज में हम टाइम बड़ा रहते हैं और इंस्टेंटेनियस में हम टाइम छोटा रखते हैं, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूला सेम है। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, इट इज टोटल दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंबल इसका ओमेगा है, याद रखो सिंबल क्या है, ओमेगा, और इसको लिखते हैं थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन टी 2 माइनस टी 1, मतलब टी 1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 था। चलना सोचना, टी 1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, थीटा 1 था, फिर टी 2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। तो टी 1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इज थीटा 1, टी 2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट थीटा 2, तो चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन टी 2 माइनस टी 1। देखो टाइम बड़ा रखा हुआ है, पर अगर मैंने छोटा टाइम कर दिया तो वो इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस में इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेशन फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होते, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो कि इंस्टेंटेनियस में टाइम छोटा रहता है। तो वो कैसे लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। टाइम कितना छोटा, तो बहुत 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 छोटा, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो बट इट इज नॉट जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो बट इट इज नॉट जीरो, ठीक है बच्चों, जिसको हम कैसे लिखेंगे, d थीटा बाय dt। तो ये सब आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड, याद रखो एसएनएट क्या है, रेडियन पर सेकंड, तो दिमाग पे फिट कर दो, इसका एसएनएट क्या है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन मिलता है, तो एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका सिंबल है अल्फा, क्या है सिंबल इसका, अल्फा, याद रख सिंबल क्या है, अल्फा, ठीक है। और एवरेज का फॉर्मूला क्या आएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी 2 माइनस टी 1। और अगर छोटा रहेगा टाइम तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जिसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, वेरी क्लोज टू जीरो, जिसको बाद में कैसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। और उसका ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन तो रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं है, सेकंड स्क्वायर का नीचे डिनोमिनेटर 3:-2 आ जाएगा। तो ये होता है तुम लोग का बेसिक डेफिनेशन, ओके। ये तीन चार डेफिनेशन लर्न करो, ये 11th स्टैंडर्ड में थे, मैंने फास्ट बताया आपको क्योंकि 11th में थे, इतना डिटेल में आपको एग्जाम में नहीं आएगा, पर कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट भाई एंगल के फॉर्म में मेजर होता है, वेलोसिटी भाई एंगल के फॉर्म में मेजर होता है, ये होता है। सो आई एम टेलिंग यू जस्ट बाय हार्ट इट, लर्न इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर होना चाहिए। अल्फा बोला अरे एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा बोला अरे एंगुलर वेलोसिटी, ये आना चाहिए, ये अंदर से आना चाहिए, मतलब ऐसा बार बार बोलने नहीं लेना चाहिए कि हाँ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, नहीं, लर्न करके दिमाग में डाल कि ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होना चाहिए आपके दिमाग में हमेशा, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट है, ओके बच्चों। सो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच।